हमारे कांग्रेस के चमचे बहुत हो गए, हमारे सुसरे बनने की कोशिश कर रहे। ओवैसी को समझता नहीं हमारी बात को, अरे क्या तू मेरा ससुरा है, हमारे को मशवरा दे रहे। अरे तुम हारमोनियम लेके बैठ जाओ, तुम मुझे मशवरा देने की जरूरत नहीं है, मुझे ये बताओ मोदी को कामयाब किसने किया। जो कांग्रेस के पुजारी हैं वो बोलते नहीं, देखो कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान में जुनेद और नसीर को जिंदा जला दिया गया, जुनेद और नसीर को जिंदा जला दिया गया, कांग्रेस की हुकूमत थी। सबसे पहले उनके घर को जाने वाले का नाम असदुद्दीन ओवैसी था। मैं गया वहां पर, जाकर मिला वहां के मुख्यमंत्री, 15 दिन के बाद जुनेद और नसीर के घर को गए। एस गिरेशिया कितना दिए, 15 लाख। कन्हैया को मारने वालों के कंडम करते हैं, मजम्मत करते हैं, कन्हैया के परिवार को 50 लाख और जुनेद और नसीर के परिवार को 15 लाख देते हैं। यह कांग्रेस की हुकूमत है। हाजी हज को जा रहे, हाजियों की बस पर पत्थर फेंककर हाजियों को जख्मी कर दिया गया, कांग्रेस की सरकार है। और बोलते नहीं ओवैसी वोट काटने वाला है। कांग्रेस के चमचे बहुत हो गए, हमारे सुसरे बनने की कोशिश कर रहे। ओवैसी को समझता नहीं हमारी बात को, अरे क्या तू मेरा ससुरा है, मैं अपने ससुरे की बात नहीं सुनता हूं, सिर्फ बीवी की सुनता हूं, क्योंकि आप सब सुनते हैं, मैं भी सुनता हूं। घर को गए तो भड़काऊ भाषण नहीं दे सकते, घर में खाली नीचे मुंडी डाल के जी जी, इन हमारे ससुरे बन रहे, हमारे को मशवरा दे रहे। अरे तुम हारमोनियम लेके बैठ जाओ, तुम मुझे मशवरा देने की जरूरत नहीं है, मुझे यह बताओ मोदी को कामयाब किसने किया। अरे मोदी की हुकूमत में सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को हुआ तो अल्पसंख्यक समाज को हुआ। 9 साल में दलितों को नुकसान हुआ है। किसको लव जिहाद के नाम पर मारा और पीटा जाता है, किसको तब्दीली मजहब के नाम पर पीटा जाता है, किसको गोश्त के नाम पर मारा जाता है, किसको सिटीजनशिप छीनने के लिए CAA का कानून कौन बनाता है, कौन बनाता है बताओ मेरे भाई। सबसे ज्यादा तो यही हो रहा है। UAPA का कानून बनाया गया, अमित शाह ने बनाया, उस कानून में अगर जेलों में सड़ रहे तो सबसे ज्यादा दलित, आदिवासी और मुसलमान। 8-8 महीने, 2-2 साल बेल नहीं होती है, क्योंकि UAPA का कानून बीजेपी, कांग्रेस ने तायीद किया। ये 9 साल का रिकॉर्ड है प्रधानमंत्री का। और मैं फिर से कह रहा हूं कि जब तारीख लिखी जाएगी नरेंद्र मोदी के सियासी लेगेसी की, तो उसमें जरूर लिखा जाएगा कि प्रधानमंत्री जब मोदी थे तो मुसलमानों को मार्जिलाइज कर दिया गया, मुसलमानों को एलिनेट कर दिया गया, और मोदी के 300 के MP में एक भी मुसलमान MP नहीं है, एक मुसलमान मिनिस्टर नहीं है। हिजाब के खिलाफ कानून बनाती है बीजेपी जब मोदी वजीर आजम होते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बीजेपी अगर जीत रही है तो कांग्रेस की वजह से, ये सेक्युलर पार्टियों की वजह से जीत रही है। इनमें इतनी ताकत नहीं है कि मोदी को रोक सके, मगर इनमें इतनी ताकत है कि झूठ पर धोखा देकर आपका वोट ले सके। अगर मोदी को हराना है तो आइडियोलॉजी पर मुकाबला करो, मोदी को हराना है तो देश की जनता को RSS और मोदी के खिलाफ करो, मोदी को हराना है तो बेरोजगार नौजवानों को हुकूमत के खिलाफ खड़ा करो, मोदी को हराना है 24 में तो किसानों को सामने खड़ा करो, गरीबों को सामने खड़ा करो जिनकी आमदनी कम हो चुकी है। अगर आज एक मजदूर 100 रुपये कमाता था तो आज सिर्फ 50 रुपये कमा रहा है, और एक अमीर अगर आज 100 रुपये कमा रहा था तो आज 120 रुपये कमा रहा है। मगर ये लोग मोदी से मुकाबला करना नहीं जानते, ये कहना चाहते हैं कि सबसे बड़ा हिंदुत्व का नेता कौन है। इसीलिए महाराष्ट्र में आप देख रहे कि कांग्रेस और शरद पवार मिलकर उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, जिसने विधानसभा में खड़े होकर कहा था कि हां हमने बाबरी मस्जिद को शहीद किया था।
जब तुम यह कहोगे और इसको मुख्यमंत्री बनाना चाहोगे तो फिर मोदी को कहां रोक पाओगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आप सदबन गुजारिश यह है कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करिए। और मुझे यहां पर एक शेर किसी का था या किसी का एक डायलॉग था याद आ रहा है कि तुम्हारा गम है गम मुसलमानों का गम ख्वाब और कहानी है क्या। तुम्हारा गम है गम मुसलमानों का गम ख्वाब और कहानी है क्या। तुम्हारा खून है खून हमारा खून पानी है क्या। हाजी हज को जा रहे हाजियों की बस पर पत्थर फेंककर हाजियों को जख्मी कर दिया गया। कांग्रेस की सरकार है और बोलते नहीं, ओवैसी वोट काटने वाला है जो कांग्रेस के पुजारी हैं तो बोलते नहीं, देखो कांग्रेस की सरकार है। राजस्थान में जुनेद और नसीर को जिंदा जला दिया गया, जुनेद और नसीर को जिंदा जला दिया गया। कांग्रेस की हुकूमत थी, सबसे पहले उनके घर को जाने वाले का नाम असदुद्दीन ओवैसी था। मैं गया वहां पर जाकर मिला वहां के मुख्यमंत्री। 15 दिन के बाद जुनेद और नसीर के घर को गए। एस गिरेशिया कितना दिए, 15 लाख। कन्हैया को मारने वालों के कंडम करते हैं, मजम्मत करते हैं। कन्हैया के परिवार को 50 लाख और जुनेद और नसीर के परिवार को 15 लाख देते हैं। यह कांग्रेस की हुकूमत है। हाजी हज को जा रहे हाजियों की बस पर पत्थर फेंककर हाजियों को जख्मी कर दिया गया। कांग्रेस की सरकार है और बोलते नहीं, ओवैसी वोट काटने वाला है। ट्रिपल तलाक का मसला आया तो सबकी जबानें खामोश। मैंने कहा उन मुस्लिम एमपी से दूसरे पार्टी के, बोलो कुछ तो बोलो। बोले नहीं ओवैसी, तेरी बात सुनने बैठे हम। बोला क्यों? बोले हमारी पार्टी नहीं बोलने देगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपनी लीडरशिप को पैदा करिए आप, अपनी आवाज को मजबूत करिए आप। डरिए मत, घबराइए मत। हालात मुल्क के उसी वक्त बदलेंगे जब आप अपने मुकद्दर के फैसले करेंगे। लोग जो मुझ पर इल्जाम लगाते हैं, मैं तुमको पूछ रहा हूं, आरएसएस के हेडक्वार्टर पर जाकर मोहन भगवत से मुलाकात करके कोई सेकुलरिज्म की बात करेगा? पूछो, जवाब दो मेरे सवाल का। मोहन भगवत से जाकर मिलते हैं और फिर बोलते हैं सेकुलरिज्म की बात और ओवैसी वोट काटने वाला है। अरे मैं तो आरएसएस की आइडियोलॉजी का सख्त मुखालिफत रहा हूं और रहूंगा इंशाअल्लाह ताला, बल्कि मेरी पूरी नस्ल सुबह कयामत तक आरएसएस के खिलाफ रहेगी। मगर जो लोग हेडक्वार्टर पर जाकर आरएसएस के चीफ से मिलते हैं, आप किस जबान से कह रहे हैं कि सेकुलर पार्टियों का साथ दो? किस जबान से कह रहे हैं आप बताओ? कौन सा हक आपको हासिल है? मगर आप तबलीग करते हैं इस बात की। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको यह सोचना चाहिए कि मुल्क के हालात क्या हैं, किस रास्ते पर वतन अजीज को लेकर ये लोग लेकर जा रहे हैं। मेरी गाड़ी पर 6 गोलियां चलाई गई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में मुझे बचा लिया। आपकी दुआएं थी। मैंने मौत को करीब से देखा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मेरे दिल में खौफ को पैदा होने नहीं दिया। मैं दूसरे दिन से दोबारा उत्तर प्रदेश में गया और वोट के लिए अपील करता रहा, क्योंकि मुझे मालूम कि एक ना एक दिन मुझे जाना है। कम से कम जब जाऊंगा तो यह तो तिश्नगी नहीं रहेगी कि मैं इनसे डर कर गया या इनके सामने झुक कर गया या मैं आरएसएस के दफ्तर पर जाकर मिलकर आया। कम से कम इतनी तो ये तसल्ली रहेगी कि हां, मेरे आमाल खराब जरूर है, मगर जब अल्लाह के सामने खड़े रहूंगा तो रब्बे करीम के सामने मुझे उसका फजल और करम ही जन्नत में भिजाएगा। मगर मेरे दिल में यह मलाल तो नहीं होगा कि मैंने जालिमों से समझौता कर लिया था, मैंने मजलूमों की आवाज नहीं उठाई थी। मैं इलेक्शन हारने से नहीं डरता हूं, मैं सिर्फ अल्लाह से डरने वाला हूं। डर नाम की चीज ओवैसी के करीब आ नहीं सकती इंशाअल्लाह ताला। मगर जिद्दोजहद करना, लड़ना,
आपको मनाना, आपसे लड़ना, आपके नागपुर के घर पर जाकर आपका हाथ पकड़कर आपके पेट पर मुंडी डालकर आपके पैरों को पकड़कर बोल सकता हूं कि भाई अपनी लीडरशिप को पैदा करो, क्योंकि वो घर तुम्हारा जरूर है, उस घर पर मेरा भी हक है। जिस घर में हय्याल सलाह हय्याल फलाह की सदाएं दी जाती है, जिस घर में सज्दे अल्लाह की बारगाह में किए जाते हैं, जिस घर में अल्लाह के कलाम की तिलावत होती, जिस घर में हिजाब पहना जाता, वो मेरा घर है, वो मेरा घर है, रहेगा मेरा घर। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए आपसे अपील कर रहा हूं, इसीलिए आपसे अपील कर रहा हूं कि मुत्तहिद हो जाइए। अब नई पार्लियामेंट बनेगी, उसमें जाएंगे, नई बिल्डिंग तो बन गई, जरूरत भी थी नई बिल्डिंग की, मगर उसमें कौन तुम्हारी आवाज को उठाएगा? कब तक तुम मुझे मेरी तरफ देखोगे, इम्तियाज जलील की तरफ देखोगे? अरे हम इंसान है भाई, हम कभी ना कभी ये चिराग गुल हो जाएगा, हम दुनिया से चले जाएंगे, फिर तुम किसको लेकर आओगे? तुम आसमान से नहीं आएगा, कोई जमीन से निकल कर नहीं आएगा, तुम्हारे दरमियान से तुमको अपना लीडर बनाना पड़ेगा। सोचो मेरी इस बात को। नहीं, पार्लियामेंट में है ना ओवैसी बोलेगा, अरे मैं क्या कोई ऑर्केस्ट्रा पार्टी हूं? दूसरे नहीं बोल सकते?